तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप और आपके सारे ही पेट एनिमल अच्छे होंगे। तो यार आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे चूज़ों को अच्छे से चेक करेंगे। यार मुझे लग रहा है हमारे चूज़ों में यार कुछ बीमारी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे कबूतरों को खोल देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर वो बंद है, हमारे पूरे कबूतर हम खोल देते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमारे ये वाले कबूतर खोल देते हैं पहले, जिसका हम जोड़ा लगाने के लिए रख रहे हैं। तो अब ये लड़ाई मड़ाई इतनी नहीं करते हैं, मतलब इनका जोड़ा लग जाएगा अब। तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ यार लगाने की, लग ही नहीं रहा है। मैं कह रहा अब अपन थोड़ी लगा सकते हैं। चलिए और ये वाले पिजन्स को भी खोल देते हैं हम। तो ये वाले पिजन्स भी खोल दिए देख लिए हमने, और इनके अंडों का इंतज़ाम भी यार कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यार ऐसे तो रख नहीं सकते इन्हें। देख लिए अंडे इधर उधर ढलक रहे हैं, एक जगह नहीं रखे रहते। मैंने इसके अंदर रेत भी डाली थी इसलिए ही। तो हम क्या करेंगे, घास डाल देंगे इसके अंदर। तो देख लीजिए यहाँ पर हमें रोटी है, रोटी इन्हें डाल देते हैं। आया आ देख लीजिए पूरी रोटी मैंने डाल दी है। तो और यहाँ पर दाना भी डाल देते हैं इसके अंदर ही। ले ले देख ली, दाना डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और पूरे पिजन हमारे आ चुके हैं। बस एक ही है यहाँ पे रह गया है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ये भी आ जाएगा थोड़ी देर में। और साफ़ पानी भरते हैं हम इसके अंदर, तो यहाँ पे इसके अंदर भरेंगे। लेकिन पहले इससे पहले थोड़ा इसे धो लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेत है। और थोड़ा सा पानी डालते हैं क्योंकि यार रेत है इसके अंदर। तो यहाँ पे पूरा साफ़ कर लेता हूँ इसे, क्योंकि यार रेत अगर ये खा लेंगे तो इनके पोटे में कुछ परेशानी आ सकती है, मतलब पोटली में इनकी खाने की जो खाना खाते हैं। यार ये भी टूट चुका है पूरा, हम इस दूसरे पानी अब किसी दूसरी चीज़ में पानी रखा करेंगे। तो आज के लिए तो भर देते हैं यार इसके अंदर ही। तो देख लीजिए पानी भर दिया है, अब पिजन अपने अपने पानी पी लेंगे जैसे उसको पीना होगा, जब तक ये अपना दाना वाना खा रहे हैं बढ़िया। यार यहाँ पे देख लीजिए अपना काम भी बहुत सा हो चुका है, आप देख सकते हैं। मतलब कचरा देख लीजिए पहले आप, यहाँ पूरे में कहीं पर भी आपको जगह नहीं दिखेगी। यहाँ रेत पड़ी हुई है, यहाँ बल्ली पड़ी हुई है, और यहाँ पे देख लीजिए बस यही जगह हमारे लिए बची हुई है। ये वाली जगह पूरी देख लीजिए, यही जगह बची हुई है। और यहाँ पर देख लीजिए ये दीवार उठ चुकी, कोने वाली ये उठ चुकी है। यहाँ पर तो खुला ही छूटेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर खुला छूटेगा। वहाँ पर दीवार उठ चुकी है, ऊपर पिलर उठ चुके हैं। तो ये काम होने के बाद जल्दी से यहाँ से जगह खाली हो जाएगी अपनी, मतलब अपन को यहाँ जगह मिल जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जल्दी से अपने अपने कबूतर के बच्चे को देखते हैं किस तरह से ग्रोथ हो रही है। उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, मैं उसको रोज़ चेक करता हूँ और आज आपको मैं दिखाऊंगा कैसा। चलिए हम चेक करते हैं। तो देख लीजिए वो वहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है, जल्दी से मैं ऊपर चढ़ता हूँ। यहाँ से यार ऊपर चढ़ना थोड़ा खतरेदार रहता है, क्योंकि गिर सकते हैं अपन। तो यार माशाल्लाह इसकी ग्रोथ तो मैंने एकदम हो रही है इसकी ग्रोथ, आप देख लीजिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये पता नहीं कौन से कलर का बच्चा निकल रहा है, शायद कास नहीं है, कौन सा कलर का है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल दोनों में से है, मतलब काली पूंछ है इसकी। और ये देख लीजिए आपको मैं दिखाता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बच्चा निकल रहा है और बहुत ही प्यारा बच्चा निकल रहा है। ये देख लीजिए आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ, और ये कौन सा बच्चा है यही मुझे कमेंट में बताएँ। तो चलिए मैं आपको कल दो में कबूतर की यार थोड़ा सा शौक करवा देता हूँ। एक भाई ने मुझसे बोला था एक वीडियो में कि यार कबूतर का शौक करवाना अपने, चलिए पकड़ के मैं शौक करवाता हूँ। तो आपको मैं एक करके दो तीन कबूतरों को शौक करवाऊँगा जब तक। तो इसे हम पकड़ते हैं और यहाँ कबूतर को, और फिर मैं आपको शौक कराता हूँ। तो यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ पहले ना ये कबूतर। तो यार ये देख लीजिए ये कबूतर देख लीजिए, इसके पर निकले हुए हैं, पूरे पर आने वाले हैं। और इसकी यार पूँछ भी देख लीजिए, ब्लैक पूँछ है और वाइट भी पर हैं कुछ इसके बीच में। और इसकी आप आँख चेक कीजिए, आँख चेक कीजिए इसकी आँख, यार थोड़ी ब्लर हो रही है। तो ये देख लीजिए आँख दिखा नहीं रहा, ये देख लीजिए माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी आँख है, देख लीजिए कितनी अच्छी आँख है इसकी। और इसके पंजे देख लीजिए, अभी थोड़े बेकार हो रहे हैं बारिश चक्कर में, देख लीजिए पंजे इसके बहुत अच्छे पंजे हैं, नीचे छोड़ देते हैं हम। तो बहुत से भाई कह रहे थे यार आप कबूतर का शौक कराना, इसलिए मैंने आपको कबूतर का शौक करवाया। ऐसी हर एक वीडियो में एक एक शौक, मतलब एक एक बार आपको कबूतर का शौक करवा दिया करूँगा। तो ये देख लीजिए ये हमारे कुछ कबूतर हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत से नए कबूतर भी लाएंगे। बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए हमें। और अब हम आपको ये दिखाते हैं हमारे मुर्गी के बच्चे, देख लीजिए कितने अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। इन्हें बाहर नहीं निकालूंगा मैं अभी, क्योंकि बारिश चल रही है। तो देख लीजिए अपनी माँ के नीचे बैठे हैं, ये पीला है, ये देख लीजिए पीले कलर का, और ये माँ की तरह है, इनकी खुराक की थैली भरी हुई है। और ये हमारा पैर टूटा,
जो यार इसका पैरालिसिस निकला हुआ है। इसकी यार थैली, खुराक की थैली माशाल्लाह बहुत ही अच्छी भरी हुई है। अब इन्हें बस मुझे पानी रखना है। पानी भी यार रखा था मैंने, इसका ढक्कन कहाँ गया पता नहीं, इनके नीचे होगा शायद, इन्हें उठाता हूँ, वो रखा है देख लीजिए। तो यार माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। ओ काट रही है ये देखिए, काट रही है मुझे, इसको उठाता हूँ। ओ बहुत तेज काट रही है यार, ये देख लीजिए। अरे और इस बच्चे के यार समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए कमेंट में। तो ये देख लीजिए इसको क्या हो रहा है, इस बच्चे को यार ये पीले वाले, और एक बच्चे को यार शायद CRD की बीमारी नहीं है यार, ये आँखों में से पानी आता है, वो कौन सी बीमारी होती है यार। देख रहे यार कैसे सुस्त बैठ रहा है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार ये क्या हो रहा है इसे, इस बच्चे को तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आपको कमेंट में ज़रूर बताना है जल्दी से इसका इलाज, तो हम फिर वही करेंगे इसका इलाज। तो हमारे कबूतर देख ली दाना माना खा के अपने अपने खानों में जाने लगे हैं, मतलब अपने अपने घर में जाने लगे हैं, और इनके बच्चे तो यार अभी तक मिले नहीं मुझे, कहाँ पे गए हैं। और अब मिलते भी तो मरे हुए मिलते, क्योंकि यार उन्हें एक दिन तो हो चुका है लगभग पूरा, तो अब वो मैसे ही नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे देख ली पायल वाला कबूतर, ये बहुत ही तेज़ कबूतर है, आपको पता होगा ये वाइट वाला, ये ग्रीन का भी पायल पहने हुए है जो देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहा है हमारे हाथ में पैजन पूरे। और ये अंडों के यार कुछ इंतज़ाम हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि यार ये ढलक जाते हैं इधर उधर, तो हम इसके क्या करेंगे थोड़ा सा घास का वो बना देंगे गोल गोल, क्योंकि इसके अंदर तवा नहीं रख सकते, ये बहुत छोटे छोटे खाने हैं, और इसके अंदर ही अंडा दिया है और कहीं इनक्यूबेट ये करेंगे नहीं। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।